तो मेरे पापा जो है वैसे ही परेशान बहुत थे, लेकिन वो एप्लीकेशन ले नहीं रहे थे। 1.5-2 मिनट बाद उन्हें भी गिर गए। तब से मेरे जो बड़े भाई थे नरेंद्र यादव, वो दौड़े तो उनको गिरा पाया वहाँ पे। और तो फिर यशो साहब ने ये कहा कि बीमार आदमी यहाँ पे लाते तुम क्यों। यूपी पुलिस कहती है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। लेकिन क्या हो अगर कोई पुलिस के पास सुरक्षा के लिए थाने पहुँचे और वापस ही ना लौट कर आए। ऐसा ही मामला सीतापुर से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति थाने में तहरीर लेकर पहुंचा था, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौट सका। घटना कमलापुर थाना क्षेत्र के जैतनपुर इलाके की है, जहां तहरीर लेकर गया बुजुर्ग व्यक्ति थाना अध्यक्ष के कमरे में ही बेसुध होकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने थाना अध्यक्ष पर बुजुर्ग को धमकाने और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। परिजनों को आरोप है कि थाना अध्यक्ष के दबाव के चलते ही बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो उसी के चक्कर में एप्लीकेशन देने गए थे शाम को। गए थे एप्लीकेशन देने, तो मेरे पापा जो है वैसे ही परेशान बहुत थे, लेकिन वो एप्लीकेशन ले नहीं रहे थे। जब तक एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे तो मेडिकल उसका नहीं हो पाता, और मेडिकल नहीं हो पाता तब तक कुछ पता नहीं चलता वहाँ पे। तो उसके लिए थाने गए थे वो, तो इस साहब ने अपने शयन कक्ष में बुलाया, क्योंकि रात हो चुकी थी, अपने शयन कक्ष में थे वो, बाहर नहीं थे। और वो जैसे उन्होंने एंट्री की उसके अंदर 1.5-2 मिनट बाद उन्हें भी गिर गए। तब तक मेरे जो बड़े भाई थे नरेंद्र यादव, वो दौड़े तो उनको गिरा पाया वहाँ पे। और तो फिर यशो साहब ने ये कहा कि बीमार आदमी यहाँ पे लाते तुम क्यों। मतलब वो गिर गए, पता नहीं उन्होंने क्या कहा उनसे। और वही तो दरअसल गांव में यादव और अनुसूचित जाति के दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसकी शिकायत लेकर रमेश यादव थाने पहुंचे थे। मृतक के बेटे अंकित ने थाना अध्यक्ष पर पिता को मुकदमे में फंसाने को लेकर धमकाने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, ये सुन लीजिए। हेल्प नहीं, उनके चाचा रमेश जी थाने पे आए थे, उन्होंने मांग की कि उठाव तबीयत कर दिया जाए। एसएचओ ने कहा तो आप बयान दीजिए, तो आप जाके मेडिकल रिपोर्ट लाइए, तत्काल तबीयत करो, उसकी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि रमेश जी का पहले से हिस्ट्री रही हार्ट अटैक की रही है, दो बार पहले उनको आज लोगों ने आपको पहले थाने में जैसे ही उनको हार्ट अटैक की शिकायत की, तत्काल उनके साथ थे, उन्हें लेके चले गए यहाँ से, और बाद में जाके कहीं डॉक्टर की मांग की मौत हो गई। इसी बात को लेकर परिजन आक्रोशित थे कि हमारा मुकदमा आने वाले में प्रारंभ नहीं हुआ। मौके पे मैं आया, मैंने उनकी तत्काल तहरीर दे दी, हमने नया मुकदमा दर्ज करने का आदेश कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग पहले से ही दिल का मरीज था, पहले भी 2 बार हार्ट अटैक आ चुके थे। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अब इस मामले में कई सवाल उठते हैं कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है। किसी की जिंदगी थाने में चली जाती है, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। साथ ही परिजनों के गंभीर आरोपी की जांच होना भी बहुत जरूरी है। सीतापुर से अरविंद मोहन मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।